नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 जनवरी 2020 और स्वागत है आपका पेरिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। हमारा आज का सबसे पहले इंपोर्टेंट आर्टिकल जीनो बोर्ड्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूएसए में साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि हमने वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग मशीन को डेवलप किया है जिसका नाम है जीनो बोर्ड्स। जीनो बोर्ड्स देखो एक अनूठा कॉम्बिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लस बायोलॉजी का। ये जो रोबोट्स तैयार किए गए हैं ये देखो उन ट्रेडिशनल रोबोट्स की तरह नहीं है जिनको पास्ट में क्रिएट किया जाता रहा है, क्योंकि इन रोबोट्स को प्रिपेयर करने में लिविंग सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। अफ्रीका का एक इक्वेटिक फ्रॉग है जिसका नाम है अफ्रीकन क्लाड फ्रॉग। ये मिलता है सब सहारन अफ्रीका से लेकर नाइजीरिया, सूडान, साउथ अफ्रीका में। इसका साइंटिफिक नेम है जीनोपस लेविस। इस मेंढक से कुछ स्टेम सेल्स लिए गए और जीनो बोर्ड्स का निर्माण किया गया। जीनो बोर्ड्स का जो साइज है वो देखो 1 mm से छोटा है और एक जीनो बोर्ड में 500 से लेके 1000 तक लिविंग सेल हैं। खास बात देखो इन जीनो बोर्ड्स की ये है, जैसे ह्यूमन बॉडी में सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो उनके अंदर क्षमता होती है फिर से रिकवर करने की, उसी प्रकार से ये जीनो बोर्ड जो डेवलप किए गए हैं इनको भी अगर डैमेज पहुंचता है, इनके सेल डैमेज होता है तो अपने आप से वो सेल हील हो जाते हैं, मतलब रिकवर कर लेते हैं। और ये जो रोबोट्स हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं अपने आप से। इनकी शेप काफी प्रकार की है, कई स्क्वायर शेप में है और कई दूसरी शेप में भी है। और देखो मान लीजिए कोई काम इनको दिया गया है और ऐसा काम है अकेले जीनो बोर्ड के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो कई सारे जीनो बोट मिलकर उस काम को कलेक्टिवली कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज ले जानी हो जीनो बोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे देखो बॉडी में किसी ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन में मेडिसिन को पहुंचाना है तो जीनो बोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए प्लास्टिक को डिग्रेड करना है तो जीनो बोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार से सॉफ्ट रोबोट्स की तरह है जो डैमेज हो जाए तो अपने आप को खुद से हील कर सकते हैं। और जैसे ह्यूमन बॉडी अगर काम करना बंद कर दे, मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो वो बॉडी डिके हो जाती है समय के अनुसार, तो ये जीनो बोर्ड भी हैं ये समय के अनुसार ह्यूमन बींग्स की तरह डिके हो जाएंगे डेथ होने के बाद। और अभी देखो जीनो बोर्ड का जो लाइफ स्पैन है वो 10 दिनों का है, लेकिन इसे इंक्रीज भी किया जा सकता है। तो लास्ट में पर्पजेज बताए गए हैं, माइक्रो प्लास्टिक को डिग्रेड करना हो, टॉक्सिक मटेरियल को डाइजेस्ट करना हो, ह्यूमन बॉडीज में ड्रग्स को डिलीवर करना हो, इन सब पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जीनो बोर्ड्स का। बट देखो बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो एथिकल कंसर्न्स भी रेज किए जा रहे हैं, क्या इस प्रकार के जीनो बोर्ड्स को डेवलप करना एथिकल है या फिर अनएथिकल है, क्योंकि देखो ये तो जो हमने पर्पजेस डिस्कस किए ये तो यूजेस हैं, बट हमें समझने की आवश्यकता है काफी सारे मिसयूजेस भी इन जीनो बोर्ड्स के हो सकते हैं। और देखो लाइफ से छेड़छाड़ करना ये तो कहीं ना कहीं नेचर के रूल के अगेंस्ट है, इसी वजह से एथिकल क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल प्लैटिपस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एक स्टडी आई है जिससे ये पता लगता है सूखे के कारण और क्लाइमेट चेंज के कारण प्लैटिपस की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है, और अब ये जो प्लैटिपस है ये देखो लुप्त होने की कगार पर है। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हो प्लैटिपस की। प्लैटिपस देखो अपनी फैमिली का और वंश का अकेला लिविंग रिप्रेजेंटेटिव है। प्लैटिपस जैसी और बहुत सारी स्पीशीज अब लुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और सिर्फ उनके अवशेष मिलने के रिकॉर्ड मिलते हैं। देखो मोनोट्रीम्स का क्या मतलब होता है? मोनोट्रीम्स का मतलब होता है वो मैमल्स जो अंडे देते हैं। मैमल्स की डेफिनेशन वैसे आपको पता है, वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी स्किन पर बाल उगते हैं और जो अपने बच्चों को यानी मदर्स जो हैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है मैमल्स। लेकिन ये प्लैटिपस जो हैं वो मैमल तो हैं लेकिन ये अंडे देते हैं और अंडे से बच्चे निकलते हैं। इस प्रकार की देखो 5 लिविंग स्पीसीज हैं और उनमें से एक है प्लैटिपस। ये मतलब होता है मोनोट्रीम का। मोनोट्रीम का मतलब होता है वो मैमल्स जो अंडे देते हैं और अंडे से बच्चे निकलते हैं। ऐसी 5 स्पीशीज हैं और 5 में से एक है प्लैटिपस। वैसे देखो प्लैटिपस के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं क्योंकि इनका जो नेचर है काफी ज्यादा सीक्रेटिव है और ये रात के समय एक्टिव रहते हैं।
कहां पर मिलते हैं? ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में प्लेटिपस मिलते हैं। ये देखो तस्मानिया है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड स्टेट है। और ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर ज्यूरिडिक्शंस में प्लेटिपस जो है वो अनलिस्टेड है एक्सेप्ट साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया में ये लिस्टेड है और इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। साइंटिफिक नाम क्या है आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आयुषियन की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं और ये देखो वेटलैंड में ज्यादा मिलते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया प्लेटिपस के बारे में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल वोलिमी पाइंस के बारे में है। आप एक बार इमेज देख लीजिए वोलिमी पाइंस की। ये देखो कोनिफरस ट्री है। कोनिफरस ट्री वो ट्री होते हैं जिनके पत्ते नुकीले होते हैं, कोन शेप में होते हैं। हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में कोनिफरस ट्री मिलते हैं। देखो 1994 से पहले तक ये विश्वास किया जाता था कि वोलिमी पाइंस जो है, मतलब ये जो पेड़ हैं, ये लुप्त हो चुके हैं अर्थ पर, अब ये पेड़ नहीं मिलते हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और वैसे ऑलमोस्ट 90 मिलियन ईयर्स पुराने अवशेष मिले हैं वोलिमी पाइंस के। मतलब विश्वास ये किया जाता है इवन जुरासिक पीरियड में भी ये जो पेड़ थे वो मौजूद थे। बट अब ध्यान दीजिएगा 1994 में ये पता लगा कुछ पेड़ अभी भी हैं ये वोलिमी पाइंस के। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक नेशनल पार्क है वोलिमी नेशनल पार्क, वहां पर वोलिमी पाइंस के कुछ पेड़ हैं। ये पता लगा था 1994 में, उससे पहले तो ये विश्वास किया जाता था ये पेड़ लुप्त हो चुके हैं। लेकिन देखो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई वोलिमी पाइंस की ताकि कंटामिनेशन से रोका जा सके इन पेड़ों को। अब जबकि देखो ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्केल पर आग लगी, बुश फायर लगी, तो बहुत से क्वेश्चंस रेज हुए, क्या ये पेड़ अभी भी बचे हुए हैं या फिर आग की चपेट में आ गए हैं। तो अभी ये खबर निकल के आई है कि एक्टिविस्ट ने इन पेड़ों को बचा लिया। ये पेड़ अभी भी सुरक्षित हैं ऑस्ट्रेलिया के वोलिमी नेशनल पार्क में। इनकी संख्या 200 के आसपास है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्कस करें, देखो वोलिमी नेशनल पार्क जो है वो ग्रेटर ब्लू माउंटेन एरिया का पार्ट है और ग्रेटर ब्लू माउंटेन एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आयुषियन की रेड लिस्ट में वोलिमी पाइंस क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो अगर यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया जाता है वोलिमी पाइंस कहां मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, नेशनल पार्क का नाम पूछ लिया जाए तो वोलिमी के नाम से ही नेशनल पार्क का नाम है वोलिमी नेशनल पार्क। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सरकार ने देखो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है। मकसद इस काउंसिल को बनाने का ये है, ये काउंसिल सरकार को अपनी सजेशंस देगी कि हमारे देश में सिटीजन्स के अंदर कैसे इनोवेशन का एक कल्चर डेवलप किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल गठित करने का एम ये है एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंश्योर करना। क्योंकि देखो इनोवेशन का कल्चर अगर हमारे देश में डेवलप होगा तो और नए नए स्टार्टअप्स आएंगे, और नए नए स्टार्टअप्स आएंगे तो रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। कंपोजिशन क्या है इस काउंसिल का? चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। कन्वेनर कौन है काउंसिल के? देखो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इस डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी कन्वेनर है इस काउंसिल के। मेंबर्स एक्स ऑफिशियो भी हो सकते हैं और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर मतलब जैसे देखो किसी और डिपार्टमेंट का कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी है, कोई भी पर्सन हो वो इस काउंसिल का मेंबर होगा ही होगा, ये मतलब होता है एक्स ऑफिशियो का। मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं पोस्ट पर कोई भी पर्सन हो, उस पोस्ट पे होने के नाते वो मेंबर बन जाएगा काउंसिल का। ये डिपेंड नहीं करता कोई कौन पर्सन है, बस ये डिपेंड करता है उस पोस्ट पे वो पर्सन है, समझ गए? तो कई सारी डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस और कंसर्न मिनिस्ट्रीज में जॉइंट सेक्रेटरी या फिर इससे बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं वो मेंबर होंगे इस काउंसिल के, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। जैसे देखो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो इनोवेशन लाने के लिए काम कर सकती हैं या फिर अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। तो ऐसी ऐसी जितनी भी मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे बड़े लेवल के अधिकारी एक्स ऑफिशियो मेंबर हो सकते हैं इस काउंसिल में। सारे नहीं, मतलब वही जिनको सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा।
और नॉन ऑफिशियल मेंबर में कौन होगा? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। जैसे देखो, कोई पर्सन है जिसने स्टार्टअप को सक्सेसफुली फाउंड किया, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स बिनी बंसल और दूसरे सचिन बंसल, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने सक्सेसफुली किसी कंपनी को बहुत सालों तक चलाया हो, या फिर ऐसे लोग जो स्टार्टअप्स के इंटरेस्ट को रेज कर सकते हो, ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर। कमेटी क्या काम करेगी? शुरुआत में जैसा हमने डिस्कस किया, कमेटी के देखो बहुत सारे काम होंगे। देश के नागरिकों में इनोवेशन का कल्चर डेवलप करना, सरकार को राय देना कि कैसे रेगुलेटरी मेजर्स को आसान बनाया जा सकता है ताकि हमारे देश में बिजनेस ओपन करना, बिजनेस ऑपरेट करना, बिजनेस को बंद करना आसान हो, कैसे स्टार्टअप वालों को आसानी से कैपिटल उपलब्ध करवाया जा सकता है, या फिर पब्लिक सर्विस डिलीवरी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इन सब इश्यूज पर सजेशंस दिए जा सकते हैं नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा सरकार को। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज सिर्फ 4 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने जीनो बोर्ड्स के बारे में डिस्कस किया, हमने प्लेटिपस के बारे में डिस्कस किया, हमने वोलिमी पाइंस के बारे में डिस्कस किया, और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।